Assam Chief Minister and BJP leader Himanta Biswa Sarma on Wednesday stated that changing demography was not a political issue for him, but was a matter of life and death. Stating that it was a big issue for him, Sarma claimed that in Assam, Muslim population has reached 40% today from 12% in 1951. Earlier, Sarma, who is in Jharkhand's Ranchi, claimed that infiltrators first enter Assam and West Bengal and then go to Jharkhand, Bihar and Chhattisgarh, and said it was the responsibility of the state government to detect and deport infiltrators. ये कानून को भी झारखंड में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक एक घुसपैठी जातिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है। हमारा बीजेपी सरकार आने का बाद यही भी सोचना चाहिए कि क्या आदिवासी बेटियों को घुसपैठियों का साथ शादी कराने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कहा सिस्टम बनाने का जरूरत देखिए, आप लोग एक गलत बातें बोल रहा है। सेंट्रल फोर्सेस कोई घुसपैठियों को रोक नहीं सकता है। ये जो जेएमएम एक गलत आपको बात बोल रहा है उसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, दो मिनट सुन लीजिए। देश का घुसपैठिया पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसका बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है, लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। झारखंड हाई कोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप डिटेक्ट कीजिए, आप डिपोर्टेशन कीजिए। डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन is a responsibility of state government, it is not a responsibility of central government. देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। किस लिए? मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं।